नमस्कार दोस्तों, मैं संजय राज शर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की जो हमारी ट्रेन जानकारी है वो है जैसलमेर से बांद्रा टर्मिनस मुंबई तक चलने वाली साप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस की। इस वीडियो की रिक्वेस्ट की है रज्जाक खान ने। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में दबा दें इस बेल आइकन को ताकि आप तक हमारे हर नए वीडियोस की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। दोस्तों, जैसलमेर से बांद्रा टर्मिनस मुंबई तक चलने वाली साप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस जिसका ट्रेन नंबर है 22932। दोस्तों, अगर इस ट्रेन के अगर हम ट्रेवल टाइमिंग की बात करें तो यह ट्रेन जैसलमेर से बांद्रा टर्मिनस तक की कुल दूरी 1230 किलोमीटर की यात्रा को तय करती है लगभग 22 घंटे में। इस ट्रेन की एवरेज स्पीड रहती है 56 किलोमीटर प्रति घंटे की और इस ट्रेन का संचालन करती है पश्चिमी रेलवे। और यह ट्रेन दोस्तों हफ्ते में एक दिन चलने वाली एक वीकली ट्रेन है जो हर शनिवार को जैसलमेर रेलवे स्टेशन से रवाना होती है और जोधपुर अहमदाबाद के रास्ते से होती हुई हर रविवार को यह बांद्रा टर्मिनस मुंबई में अपनी यात्रा को पूरा करती है। इस ट्रेन के जैसलमेर से बांद्रा के बीच में करीबन 26 जगहों पर ठहराव रहता है और यह एक सुपरफास्ट कैटेगरी की ट्रेन है। अगर दोस्तों इस ट्रेन के हम कोचेस की अगर बात करें तो इस ट्रेन में LHB श्रेणी के कुल 20 कोच लगते हैं जिसमें दो कोच AC 2 टायर के लगते हैं। AC 2 टायर के कोच का जैसलमेर से बांद्रा तक का किराया रहता है 2125 रुपए। चार कोच इस ट्रेन में AC 3 टायर के लगते हैं जिसका किराया रहता है 1470 रुपए। AC 2 टायर और AC 3 टायर के किराए में दोस्तों GST सुपरफास्ट रिजर्वेशन और बेस फेयर चार्ज शामिल रहता है। 8 कोच इस ट्रेन में स्लीपर क्लास के लगते हैं जिसका किराया रहता है 555 रुपए। इसमें GST को छोड़कर बाकी सभी चार्जेस शामिल रहते हैं। इनके अलावा इस ट्रेन में 4 कोच सामान्य क्लास के भी लगते हैं जिसका किराया रहता है 306 रुपए। यह किराया दोस्तों जैसलमेर से बांद्रा तक का बताया गया है, परंतु एक बार इस किराए को आप चेक अवश्य कर लें क्योंकि समय के साथ इसमें परिवर्तन भी हो सकता है। इस सुपरफास्ट एक्सप्रेस में दोस्तों आपको ऑन बोर्ड केटरिंग और ई केटरिंग की सुविधा मिल जाएगी। इस ट्रेन को जैसलमेर से अहमदाबाद तक आबू रोड लोको शेड का WDM-3A लोकोमोटिव लेकर जाता है और अहमदाबाद से बांद्रा तक इसे BRC लोको शेड का WAP-5 या फिर WAP-4E इनमें से कोई एक लोकोमोटिव लेकर जाता है। तो आइए अब दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इस ट्रेन के सभी स्टेशनों को हम विस्तार से देख लेते हैं। दोस्तों, जैसलमेर से बांद्रा टर्मिनस मुंबई तक चलने वाली सुपरफास्ट ट्रेन हर शनिवार शाम 7:20 पर जैसलमेर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से रवाना होती है। और दोस्तों, जैसलमेर रेलवे स्टेशन से रवाना होने के बाद में इस ट्रेन का जो पहला स्टॉपेज है वो है श्री बादरिया लाठी। रात के 8:08 पर यह ट्रेन यहाँ पहुंचती है और करीबन 2 मिनट रुकने के बाद रात के 8:10 पर यह ट्रेन श्री बादरिया लाठी से रवाना हो जाती है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है रामदेवरा रात के 8:48 पर और 8:51 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 3 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है फलोदी जंक्शन रात के 9:35 पर और 9:38 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 3 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है ओसिया रात के 10:36 पर और 10:38 पर यह ट्रेन यहाँ से भी रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद यह ट्रेन पहुंचती है मारवाड़ मथानिया रात के 11:05 पर और 11:06 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 1 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद इस ट्रेन का जो अगला स्टॉपेज है वो है जोधपुर जंक्शन रात के 11:45 पर यह ट्रेन यहाँ पहुंचती है और करीबन 10 मिनट रुकने के बाद रात के 11:55 पर यह ट्रेन जोधपुर जंक्शन से रवाना हो जाती है। जोधपुर जंक्शन तक दोस्तों यह ट्रेन अपनी 292 किलोमीटर की यात्रा को पूरा कर लेती है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है लूनी जंक्शन रात के 12:27 पर और 12:30 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है। इसका 3 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है पाली मारवाड़ रात के 1 बजे और 1:05 पर यह ट्रेन यहाँ से भी रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 5 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है मारवाड़ जंक्शन
रात के 2:10 पर और करीबन 2 मिनट रुकने के बाद रात के 2:12 पर यह ट्रेन मारवाड़ जंक्शन से भी रवाना हो जाती है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है रानी रात के 2:45 पर और 2:47 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है। अमृत का 2 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है फालना रात के 2:59 पर और 3:01 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है। अमृत का 2 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद यह ट्रेन पहुंचती है जवाई बांध रात के 3:15 पर और 3:17 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। अमृत का 2 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद यह ट्रेन पहुंचती है आबू रोड सुबह के 4:42 पर और करीबन 10 मिनट रुकने के बाद सुबह के 4:52 पर यह ट्रेन आबू रोड से भी रवाना हो जाती है। आबू रोड तक दोस्तों यह ट्रेन अपनी 560 किलोमीटर की यात्रा को पूरा कर लेती है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है गुजरात के पालनपुर जंक्शन में सुबह के 5:55 पर और 5:57 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है। अब इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है ऊंझा सुबह के 6:33 पर और 6:35 पर यह ट्रेन यहाँ से भी रवाना हो जाती है। अब इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद यह ट्रेन पहुंचती है महसाणा जंक्शन सुबह के 6:55 पर और 6:57 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद यह ट्रेन पहुंचती है साबरमती बीजी सुबह के 8:20 पर और 8:22 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। अमृत का 2 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद दोस्तों इस ट्रेन का जो अगला स्टॉपेज है वो है अहमदाबाद जंक्शन। सुबह के 9:00 यह ट्रेन पहुंचती है अहमदाबाद जंक्शन और करीबन 20 मिनट रुकने के बाद सुबह के 9:20 पर यह ट्रेन अहमदाबाद जंक्शन से रवाना हो जाती है। अहमदाबाद जंक्शन तक दोस्तों यह ट्रेन अपनी 745 किलोमीटर की यात्रा को पूरा कर लेती है और यहाँ पर इस ट्रेन का इंजन भी चेंज होता है। इसमें डीजल की जगह इलेक्ट्रिक इंजन लग जाता है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है नडियाद जंक्शन सुबह के 10:29 पर और 10:31 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है आनंद जंक्शन सुबह के 10:49 पर और 10:51 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद यह ट्रेन पहुंचती है वडोदरा जंक्शन सुबह के 11:32 पर और 11:37 पर यह ट्रेन वडोदरा जंक्शन से भी रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 5 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है भरूच जंक्शन दोपहर के 12:25 पर और 12:27 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। फिर दोस्तों यह ट्रेन पहुंचती है सूरत दोपहर के 1:45 पर और करीबन 5 मिनट रुकने के बाद दोपहर के 1:50 पर यह ट्रेन सूरत से भी रवाना हो जाती है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है वलसाड़ दोपहर के 2:39 पर और 2:41 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है। अब इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है वापी दोपहर के 3:00 और 3:02 पर यह ट्रेन वापी से भी रवाना हो जाती है। अब इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद दोस्तों यह ट्रेन पहुंचती है मुंबई के बोरीवली में शाम के 4:44 पर और 4:47 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है। अब इसका 3 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद दोस्तों इस ट्रेन का जो लास्ट स्टॉप है वो है मुंबई का बांद्रा टर्मिनस। शाम के 5:30 पर यह ट्रेन पहुंचती है बांद्रा टर्मिनस और यहाँ तक दोस्तों यह ट्रेन अपनी 1230 किलोमीटर की यात्रा को पूरा कर लेती है। और दोस्तों यह ट्रेन 22933/34 जयपुर से बांद्रा टर्मिनस तक चलने वाली सुपर फास्ट ट्रेन के साथ अपने रेक भी शेयरिंग करती है। तो दोस्तों ये थी जैसलमेर से बांद्रा टर्मिनस तक चलने वाली सुपर फास्ट ट्रेन की जानकारी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।